अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीएसएस के करंट अफेयर का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसके जो पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर का जो पोर्शन है 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके रिलेटेड हम प्रॉब्लम ऑफ बलोचिस्तान एंड सीपैक सिक्योरिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि तकरीबन 2016 से हर मुकाबले के इम्तहान में करंट अफेयर के जो 100 नंबर का पेपर है उसमें आ रहा है, मुसलसल तवातुर से आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो वी विल डिस्कस इट। बैकग्राउंड की बात करते हैं। बीइंग द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है ये, आबादी बहुत कम है इसकी। और बलोचिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान की जोग्राफिया सियासत में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है बल्कि इसे दुनिया के एक अहम तरीन स्ट्रेटेजिक हिस्से के तौर पर अहमियत भी हासिल है। इसका जो 625 मील का जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ मिलता है, 475 मील का जो बॉर्डर है वो ईरान के साथ मिलता है, 562 मील का जो इसका जो बॉर्डर है वो खलीज फारस के मकरान कोस्ट से जाके मिलता है। इस लिहाज से ये एक बहुत ही अहम लोकेशन पर वाक़ है जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। बलोचिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है वो दुनिया में काफी मुनफरिद है। ये जनूबी एशिया, मशरक़ वस्ता और वस्ती एशिया का एक गेटवे समझा जाता है। ये मादनियात और कुदरती वसाइल से मालामाल है जो मरकज और कौम परस्ती की जो कुव्वतों के माबेन तनाज़ियात और दुश्मनी की एक बोन ऑफ कंटेंशन के तौर पर मौजूद है। सोवियत यूनियन के जो खात्मे के बाद लैंड सिल्क वस्ती एशियाई जो जमहूरिया इंजमाम हुआ था सोवियत नेशन का, जो तवानाई के वसाइल से माला माल थी मुरियात और इन्हें तवानाई के वसाइल और बैन अल-अक़वामी तजारत की बरामद के लिए रस्ते की जरूरत थी। इस सिलसिले में बलोचिस्तान की जो बैन अल-अक़वामी तवानाई राहदारी और जो तजारत राहदारी के लिए जो रास्ता बनने के इम्कान की वजह से इसकी बहुत ज्यादा अहमियत हो सकती है। ये जो हमारा सी पैक बन रहा है इसका काफी बड़ा हिस्सा बलोचिस्तान से होकर गुजरता है। पाकिस्तान की जो सूबा जो बलोचिस्तान में जो मेजॉरिटी ऑफ जो नेशन है वो बलोच है, बलोच को जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का सिर्फ 3.57% है टोटल आबादी का पाकिस्तान की। बलोच नेशनलिज्म के बारे में बात करते होते हैं क्योंकि बलोचिस्तान की जो सरहद है वो ईरान पाकिस्तान तो कदम सूबा ईरान और अफगानिस्तान के साथ फैली हुई है। इसमें जो है बरोही बलोचों और सुलेमानी बलोचों के इतिहाद की कोशिशें भी इसी से मुतासर होती हैं। हालांकि ये दोनों जो कबीले हैं ये मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं और इनका जो मुआशरती निज़ाम है, रस्म रिवाज है, वो भी मुतअद्दिद असूलों में एक किस्म का मतनुआ मजमुआ रखती है। बलोचिस्तान की जो सियासी क़यादत है उसका मौकिफ है कि बरतानवी हुकूमत ने हमेशा इनके साथ मुख्तलिफ सलूक किया और वो बरतानवी हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ खुसूसी हैसियत और ताल्लुकात से लुत्फानंदोज हुए। इनकी आज़ाद रियासत के लिए पहले की कोशिशों को पाकिस्तान की सियासी जो क़यादत थी उसने अपनी तदबीर से नाकाम बना दिया था, इसलिए उन्होंने रियासत पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद को कबूल कर लिया। लेकिन इन्हें इस हकीकत के बारे में तशवीश लायक हो गई थी कि क्योंकि बलोचिस्तान की जो आबादी है वो पाकिस्तान की कुल आबादी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, लिहाजा ये समझते हैं कि अगर इसकी मुनासिब तरीके से हिफाजत ना की गई तो जो कौमी शनाख्त का जो खतरा है वो मौजूद रहेगा, वो बढ़ सकता है। वन यूनिट के जो क्याम के बाद जैसे ही इस तरह के वाकयात में जो परेशानी आई उसने मुल्क को मजीद मुश्किल हालात में डाला बलोच नेशनलिज्म की वजह से, क्योंकि शनाख्त कौमी शनाख्त का जो खतरा है वहां पर अभी भी बड़ी तेजी से फैल रहा है जिसका नाजायज फायदा भारत जैसे हमसाय ममालक उठा रहे हैं। लाल किला में उनका जो नरेंद्र मोदी का जो बयान था वो भी इसी तनाजुर में था
इन्होंने बुगटी खानदान के काफी ठिकानों को अफराद को वहां पर नेशनलिटी दी और वो यहाँ पर जो भड़का रहे हैं कौमियत की बुनियाद पर, ये सारा का सारा इसी सिलसिले की एक कड़ी है। बलोचों की जो शिकायत हैं, बलोचों की जो शिकायत है कि वो शुरू से ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी सिविल सर्विसेज है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें इनकी जो नुमाइंदगी है वो बहुत कम है। इसके अलावा तवील फौजी कवायद के तहत सियासी झड़पों ने इस चैलेंज की संजीदगी में मजीद इजाफा किया, क्योंकि बलोचों को जिन्होंने पाकिस्तान की फौजी और सिविल खिदमात में थोड़ी सी नुमाइंदगी हासिल की थी, बदनज़मी और महरूमी का संजीदा एहसास पैदा कर दिया गया वहां पर। इसी वजह से वो एक प्लेटफॉर्म के नीचे जलसे करने पर मजबूर हो गए। कौम परस्ती का पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो मुसल्ला अफवाज में या बलोचिस्तान की सूबाई इंतजामिया में मुतनासिब जो नुमाइंदगी ना होने के बारे में भी काफी खदशात पाए जाते हैं। बलोच कौम का ये जो रवैया है, ये जो रद्द अमल है, ये किसी न किसी तौर पर पंजाबियों के गलबे की वजह से भी है, क्योंकि ये समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान को एक ही सूबा कंट्रोल कर रहा है, सूबा पंजाब, और यहाँ पर पंजाबियों की जो नुमाइंदगी है पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो सूबाई असम्बली हो या विपाकी असम्बली हो या सिविल सर्विसेज हो, ब्यूरोक्रेसी हो, तो यहाँ पर इनकी रेशो बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से एक नफरत का तनासुर पाया जाता है। बलोचिस्तान में जो गवादर का मसला हो गया और मुख्तलिफ छावनियों का बनना भी एक हसास मसला बन गया है, क्योंकि इससे इस सूबे का जो आबादियाती तवाजुन था वो तब्दील हो गया। नए सदी की जो पहले अशरे की जो तरक्की थी, ये इसने एक मजीद एक और बात थी, इससे मुकामी क्यादत को खतरा महसूस करवाया और दूसरों सूबे से आए हुए जो सरमायाकारों के हमले और दूसरे सूबों से वादे की बढ़ती हुई मुजामियत का भी सख्ती से मुकाबला किया, क्योंकि इससे जो आबादियाती इम्तजाज था उसमें बदलाव आया और तरक्याती अमल में एक या ज्यादा बड़े शहर की जो तरक्की में ज्यादा और शहरों की जो तरक्की मुकम्मल तौर पर होती है वो डूब सकती है, क्योंकि अगर माइग्रेशन का प्रोसेस ज्यादा तेज जारी रहेगा एक साइड से दूसरी साइड पर, एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वहां पर वसाइल की और जो जॉब्स होती हैं वहां पर महदूद हो जाती हैं। इसके अलावा वहां पर सहूलियात का बहुत फुकदान है, तलीम जैसी और सेहत जैसी बुनियादी सहूलतों का बड़ा फुकदान है, तो वो इस चीज को जो कुछ भी उनके पास इस वक्त मौजूद है अपना ही सरमाया समझते हैं और किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते। इस वजह से ये जो इश्यूज हैं ये एक बहुत बड़े प्रॉब्लम के तौर पर सामने आए हैं। करंट नेशनल लिस्ट जो आप सर्च है, इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है कि कौमियत परस्ती का रुझान बढ़ता जा रहा है, गुज़श्ता डेढ़ दहाई के दौरान बलोचिस्तान की सूरत हाल ने अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और सख्त सियासी मुतालबात से तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर दी है, जिससे न सिर्फ सूबा बलोचिस्तान में अदम इस्तेहकाम के बढ़ते हुए एहसास के साथ बलोचिस्तान के अदम इस्तेहकाम को भी खतरा है। बलोची कौम जो है, इनकी जो कौम परस्ती है, ये बड़ी हद तक पाकिस्तान के आइन के दायरे में है, सूबों और मुल्कों की तरक्याती कोशिशों में आम आदमी के हकूक के तहफ़ के साथ ही बलोची शनाख्त को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। देखिए, अब वक्त आ गया है कि इस मसले को हम संजीदगी से लें या इसको हल किया जाए वफाकी सतह पर, जो बसूरत दीगर बलोचिस्तान के जज्बाती नौजवानों के जो बढ़ते हुए दबाव की वजह से जुदाई को फरोग दे सकता है। और यही चीज देखने में आ रही है कि आए दिन हमसाया ममालिक भारत से इस तरह के बलोचिस्तान के हक में बयान आते हैं, जिससे वो फंडिंग भी कर रहे हैं राह के जरिए और वहाँ के लोगों को, बलूचिस्तान के जो सरदार कबाइल के अफराद को उन्होंने नेशनैलिटी दी उनके जरिए बहुत अफरा तफरी वो करवा रहे हैं, सिर्फ नौजवानों को भड़काया जा रहा है। अवामी दहशतगर्दी बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान के सूबों में बाकायदगी से वक्त देखने से मिलती है, और बुनियादी तौर पर जब इसको सब नेशनैलिटीज के मामला पर गौर व फिक्र किए जाते हैं या करते हैं, तो पाकिस्तान में अकलियत और अलहदगी पसंद तहरीकें मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कायम है। पाकिस्तान के जनूब मशरकी हमारे पास सूबा बलोचिस्तान का ज्यादातर इलाका जितना भी है वो कबायली इलाका है,
जहाँ वक्फे वक्फे से गुरीला आबाद जारी है, तकरीबन पिछले 20 से 30 सालों से ये सूरत हाल वहाँ पर देखने में आ रही है। पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन दहशतगर्दी के खतरे की एक और बहुत बड़ी शक्ल है जो अलहदगी पसंद नोयत की है। इस वक्त तो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम तरक्की याफ्ता ये जो ना पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान ही है। हुकूमत और अलहदगी पसंदों की मबैन ये एक नस्ली कौम परस्त तनाज़ा है जो तवील अरसे से बलूचिस्तान में ज्यादा सियासी और मुआशरती मुआशी इकतदार के लिए भी पुरतशद्दुद कराने में कार्रवाई में मुलविस है। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ बागियों ने इस निज़ाम को सबोतासर करने के लिए मुतअद्दद पुरतशद्दुद हरबे अपनाए हैं। अगर इस मसले का बर वक्त हल ना किया गया तो इससे रियासत की कौमी सालमियत को चैलेंज करने की सलाहियत मौजूद है। यही सूरत हाल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी देखने आ रही है, खासतौर इंडिया में, यहाँ पर कौमी परस्ती कौमी शनाख्त के खतरे से दो चार मुख्तलिफ रियासतें आज़ादी पसंद तहरीकें चला रही हैं। इनमें सिख हमारे पास तहरीक है सुबह अपने आप को आज़ाद कराने की, तमिलनाडु रियासत में ये सारा चीज़ें वहाँ पर देखने में आ रही हैं जो एक रियासत को बड़ी हद तक मुतासर करती हैं। इस मकसद के लिए एक अलहदा रियासत का क्याम का है जो बलूचिस्तान की आज़ादी की फौज भी तश्कील दी गई है। काफ़ी ज़्यादा 2000 की शुरुआत के बाद से एक नया अस्करी पसंद ग्रुप जिसे बलोच लिबरेशन आर्मी भी कहते हैं BLA के नाम से, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पुरतशद्दुद वाक़यात की जिम्मेदारी उठाई, सरकारी तंसीबात पर होने वाले कई धमाकों और रॉकेट फायर करने की जिम्मेदारी भी ये ग्रुप पिछले कई सालों से कबूल करता आ रहा है। और इस ग्रुप का डायरेक्ट लिंक कौमी शनाख्त से है कि वो चाहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हमें इस चीज़ से आज़ादी दी जाए, हमारी एक अलग रियासत हो या फिर हमें बराबरी के हकूक दिए जाए। अब चूँकि CPEC जो बहुत ही अहम पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की मुआशियत के लिए भी, अब इसका बहुत बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से होकर गुजर रहा है तो इसकी सिक्योरिटी के हवाले से बड़े खदशात हैं। और काफ़ी सारे ऐसे हादसात हुए भी हैं जहाँ पर इस चीज़ को उन्होंने सबोतासर करने की कोशिश की है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है जिसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।